Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं मिशन अब्रॉड। दोस्तों मिशन अब्रॉड चैनल में आप सभी का स्वागत है और उन सारे व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और जो लोग चैनल को रेगुलरली विजिट करते हैं, मेरे नए नए वीडियोज़ को आप लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे वीडियोज़ मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आप किसी एजेंट के चक्कर में पड़कर अपना हार्ड एंड मनी वेस्ट ना करें। ओके, तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करने जा रहे हैं, टॉपिक ये है कि हाउ टू गेट यूक्रेनियन वीज़ा। अब यूक्रेन का टूरिस्ट वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से टाइप के वीज़ाज होते हैं यूक्रेन में, ठीक है, यूक्रेन आप लोग इंडियंस के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल करता है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, जो नए हैं हमारे चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं हम यूक्रेन की तरफ। यूक्रेन वीज़ा ऑन अराइवल फॉर इंडियंस, देखिए ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इंडियंस के लिए, जो लोग यूक्रेन यूरोप विज़िट करना चाहते हैं, अगर वो यूक्रेन जाना चाहते हैं तो उन लोगों को वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, ठीक है। यूक्रेन गवर्नमेंट ने और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलकर ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि आप वहाँ पर जाकर अपना वीज़ा इश्यू करवा सकते हैं ऑन एयरपोर्ट। ओके, तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से टाइप के वीज़ा होते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला है शॉर्ट टर्म वीज़ा, जिसको हम बोलते हैं सिंगल एंट्री वीज़ा, सी वीज़ा। ये होता है आपका टूरिज्म पर्पज़ और बिजनेस पर्पज़ के लिए। ये 15 डेज़ के लिए वैलिड होता है, जो कि आपका वीज़ा ऑन अराइवल होगा, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं वहाँ पे, आप और आपका वीज़ा आपको मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा है आपका ट्रांजिट वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा कॉल्ड बी वीज़ा, ठीक है, ये लेटर बी से डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो यूक्रेनियन बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं या उन उस एयरपोर्ट के थ्रू आप जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपका किसी थर्ड डेस्टिनेशन में आपने जाना है, सपोज किसी और कंट्री आप विजिट कर रहे हैं, अभी वहाँ पर कुछ देर का होल्ड है, तो आप वहाँ पर जो वीज़ा लेना पड़ेगा, आप मोर देन 24 आवर्स जो लिमिट होती है, तो उससे ऊपर अगर आप वहाँ पर रुक रहे हैं तो आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म वीज़ा, लॉन्ग टर्म वीज़ा को डिनोट किया जाता है डी टर्म से, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो यूक्रेन में 90 डेज तक रहना चाहते हैं, ठीक है। ये मल्टीपल वीज़ा का भी एक ऑप्शन है, इसको आप मल्टीपल वीज़ा में काउंट कर सकते हैं, 90 डेज़ के अंदर आप इन एंड आउट कर सकते हैं, मतलब कितनी भी बार आप जा सकते हैं अगर आप वहाँ पे। ये उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जो जिनका बार बार जाना होता है या फिर जो बिजनेस पर्सन है, ठीक है, उन लोगों के लिए ये रिकमेंडेड है। बट जो सिंगल शॉट के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, सपोज आप किसी बिजनेस सेमिनार्स के लिए वहाँ पे जा रहे हैं या फिर रिलीजियस सेरेमनी अटेंड करने के लिए जा रहे हैं या फिर आप वहाँ पे घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं टूरिज्म पर्पज़ के लिए, तो ये आपको सिंगल एंट्री वीज़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो थे हमारे वीज़ा टाइप, ठीक है। पोर्ट ऑफ अराइवल आपका है ये ओडिशा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बर्सिल, ठीक है। और जो इसमें यू फी है आपकी, $100 आपको फी पे करनी पड़ेगी, और हरवेनिया आपको 2550 अरवेनिया आपको पे करना पड़ेगा अगर आप यूक्रेन करेंसी में पे करते हैं, अदरवाइज आपको ये हम सिंपली लेके चलते हैं $100 इसकी फ़ी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वीज़ा ऑन अराइवल, जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको क्या वहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने प्रेजेंट करने हैं। सबसे पहला है ओरिजिनल पासपोर्ट आपने सबमिट करना है, ठीक है, जो एक्सपायर ना हुआ हो, ठीक है, मिनिमम 3 मंथ वैलिडिटी हो, क्योंकि मोस्टली टाइम जो लोग कंटिन्यू विज़िट करते हैं उन लोगों को इतना याद नहीं रह पाता कि पासपोर्ट कब एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। तो उनको सिंपली ये ध्यान देना है कि आपका 2 पेज आपके इसमें ब्लैंक हों और 3 मंथ तक आपका वैलिड हो, ठीक है, एक्सपायर ना हुआ हो। और इसके बाद आपका कम्प्लीटली साइंड फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, आपको इसमें फिल करके साइन करके एम्बेसी लेके जाना है। यहाँ पे 2 टाइप का मेथड है, आप एक तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एक तो हम पहले बात करें वीज़ा ऑन अराइवल, दैट्स सेपरेट केस, ठीक है। अब दूसरी बात है, आप एम्बेसी जाके अपने ऑनलाइन सबमिट किया, ठीक है, सारे फॉर्म्स ऑनलाइन सबमिट किए, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, फी पे की, और इसके बाद आपने अपॉइंटमेंट बुक किया, देन पर्टिकुलर डेट पे आप
यूक्रेन एम्बेसी, जो क्लोजेस्ट एम्बेसी है वहाँ पे जाके आप अपना इंटरव्यू क्लियर करेंगे, देन आपका वीज़ा आपको मिलेगा। ठीक है, ये तो है ऑनलाइन प्रोसेस। दूसरा है, आप डायरेक्टली अपना फॉर्म फिल करके वहाँ पे जाके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, या तो आपको ऑनलाइन ही आपको वीज़ा मिल जाएगा या फिर आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। ठीक है, दो टाइप का मेथड है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ओके, अगर आप स्पीड अप करना चाहते हैं अपना प्रोसेस, तो आपको इस वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है visa.mfa.gov.eu दस फॉर यूक्रेनियन एम्बेसी, तो आप यहाँ पर जाके अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, देन अप्लाई फॉर विजिट वीज़ा और एनी काइंड ऑफ वीज़ा यू कैन अप्लाई देयर। ओके, अब पासपोर्ट फोटो आपको शो करनी पड़ेगी, जो कि 35 mm by 45 mm की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। सारे ऑलमोस्ट जितने भी फॉर्म्स आप फिल करेंगे, सारे एम्बेसीज की यही रिक्वायरमेंट है फ़ोटो की। ठीक है, आपके पास रिटर्न एयर टिकट होना चाहिए, अगर आप 15 डेज़ के लिए जा रहे हैं, जो वैलिड फॉर 15 डेज़ है। सपोज़ अगर आप, हम वीज़ा ऑन अराइवल की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे, तो आप वहाँ पे पहुँच गए हैं, देन आपको वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने पड़ेंगे, फ़ोटो दिखानी है, या आपने वहाँ पे अपना पासपोर्ट शो करना है, रिटर्न टिकट शो करना है, हेल्थ इंश्योरेंस शो करना है। हेल्थ इंश्योरेंस जो कवरेज होगा 30,000 यूरोज का, आपको हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, जो कि आप किसी भी एजेंट से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाइए, फिर वो आपको ये बना के दे देंगे। ठीक है, प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट सफिशिएंट फंड, ठीक है, आपके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कितनी है। आप अगर वहाँ पे 15 डेज़ के लिए विजिट करना चाहते हैं, $750 मिनिमम आपके पास होनी चाहिए। मैं रेकमेंड करूँगा $1,000 लेके जाएं, अगर आप 15 डेज़ के लिए जा रहे हैं। वन मंथ के लिए $1,000 to $2,000 आपको एक्सपेंस हो ही जाता है। अगर आप होटल में रुकते हैं, आपके पास होटल बुकिंग का भी आपका कन्फर्मेशन होना चाहिए, आप किस पर्टिकुलर होटल में जा रहे हैं। और दूसरा बात है आपका कवर पेज, ठीक है, और डे टू डे एक्टिविटी जो उसमें आप मेंशन करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उसमें डे टू डे एक्टिविटी मेंशन करते हैं, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट, एक प्लस पॉइंट बन जाता है कि आप वहाँ पे जाकर वीज़ा ऑफिसर को इम्प्रेस कर सकें, या फिर इमिग्रेशन ऑफिसर को इम्प्रेस कर सकें कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर हैं, आपने कहाँ पर जाना है। ठीक है, अगर आप बिज़नेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो, या फिर आप बिज़नेस टूर के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, तो आपका बिज़नेस इनविटेशन लेटर आपके पास होना चाहिए, जिस कंपनी ने आपको ये ऑफ़र किया हुआ है कि आप किस बिज़नेस के लिए, किस डेट पे, किस टाइम पे आप अटेंड करने वाले हैं। अगर आपके पास ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो आपको वीज़ा मिलने में बहुत ही आसानी होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। अगर आप यूरोप, यूक्रेन इस वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, ठीक है, आप अपना जितना भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं यूक्रेन को, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ भी आप घूमना चाहते हैं आप इजीली, बहुत ही चीप है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। ठीक है, $750 कुछ भी नहीं बनता है, ये आपका 50,000 के आसपास बनता है इंडियन मनी में। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके अच्छे से रह सकते हैं, ये आपका 15 डेज़ का एक्सपेंसेस है। ठीक है, और जो आपका वीज़ा फ़ी है वो आपका $100 पड़ेगी। अगर आपके साथ अदर एप्लीकेंट हैं, सपोज आपकी वाइफ आपके साथ, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड आपके साथ जाना चाहते हैं, तो आप उनका नाम भी अपने जब एप्लीकेशन फिल करेंगे उसमें ऐड करके आप फिल कर सकते हैं। ओके, चलिए, डॉक्यूमेंट और बिजनेस पर्पस के लिए जैसे मैंने बताया था, आपको कवर लेटर आपने शो करना है, और अपने मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपने शो करने हैं, जो कि आपका फिनेंशियल कैपेबिलिटी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ अगर सर्टिफिकेट आप प्रेजेंट कर सकें वो भी बेटर है, ताकि आप वहाँ पे हॉस्पिटलाइज ना हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इन सब चीज़ों से आपको एक अच्छा वेटेज मिल जाता है, और वीज़ा अप्रूवल होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, और ट्रैवल वाउचर आपका होना ज़रूरी है। ट्रैवल वाउचर में आपका एक्सप्लेन किया जाएगा कि आप कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था आप लोगों को, वही आपने उसमें शो करना है। मैं अपने ऑलरेडी अपने टूरिस्ट वीज़ा के वीडियोज़ में आपको बताता रहता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं, कौन कौन से आपका चेकलिस्ट होती है, उसकी मैं एक अलग से आपको वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है टूरिस्ट वीज़ा के लिए। हम बात करते हैं टूरिस्ट वीज़ा की, तो कंफर्मिंग दैट ट्रैवल इज टूरिज्म, होटल बुकिंग, ट्रैवल वाउचर जो भी बात कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज। ठीक है, और होटल रिजर्वेशन आपका होना ज़रूरी है। अगर वहाँ पे आपके रिलेटिव से आपका कोई फ्रेंड नहीं है आपको अटेंड करने के लिए, तो आपके पास ट्रैवल होटल बुकिंग, ठीक है, ट्रैवल बुकिंग, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आपने शो करनी है सारी चीज़ें, आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, देन हम बात करते हैं बिजनेस वीजा की। राइट, लेट्स
टू देयर। ओके, बिजनेस वीज़ा के लिए अगर आपका किसी भी कंपनी से अगर आपने वहाँ पे लेटर ऑफ इनविटेशन मंगवा लें जिस भी कंपनी में आप जा रहे हैं, सपोज आपकी कंपनी विप्रो की एक ब्रांच यूक्रेन में है और आप इंडिया में हैं, तो कंपनी ने आपको वहाँ पे भेजा हुआ है, तो आपके पास और ऑब्वियसली आपके पास लेटर ऑफ इनविटेशन होगा, या फिर आप वहाँ पे किसी भी कंपनी में विजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए लेटर ऑफ इनविटेशन होना चाहिए। और उन लोगों के लिए एक बहुत ही ईजी ऑप्शन है जो लोग डायरेक्टली वहाँ पे जाकर जॉब सर्च करना चाहते हैं, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप किसी भी मिशनरी से सपोज किसी भी सेरेमनी लाइक रिलीजियस सेरेमनी जो होती हैं, ठीक है, वहाँ पे आप, ये एक पुराना मेथड है बट इसे लोग अभी भी यूज कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि आप कोई भी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बहाने वहाँ पे जा सकते हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर जॉब्स एंड लुक फॉर जॉब्स देन गेट वर्क परमिट, दैट्स डिफरेंट इशू एंड डिफरेंट केस, वील टॉक ऑन दैट लेटर। तो यहाँ पे बहुत सारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का होना ज़रूरी है, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट आप प्रेजेंट करेंगे ये आपका आपके लिए अच्छा है, आपकी वीज़ा अप्रूवल होने के लिए अच्छा है। ओके, अटेस्टिंग डॉक्यूमेंट टू फॉरन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, अगर आप वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए बिजनेस से रिलेटेड कि आप वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है, जैसा कि रशिया और यूक्रेन का भी प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है, कुछ लास्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, अभी काफ़ी अच्छी हो गई हैं, रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो गए हैं और यहाँ पे अभी टूरिस्ट ने आना बहुत ही ज़्यादा शुरू किया है और इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ रहा है वहाँ पे। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, एक बिजनेसमैन हैं, तो आप वहाँ पे जाके अपना इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे आप परमानेंट रेजिडेंट बन सकते हैं। ओके, तो ये तो था हमारा, ये जो वेबसाइट है इसकी हम बात कर रहे थे, इसमें हम जाके अपना वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बट अगर कोई भी एजेंट आपको बोलता है कि मैं आपका वीज़ा करवा दूंगा एंड ऑल दैट, एजेंट के चक्कर में पड़कर अपना पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी मेथड है। अब तो यूरोप का भी ऑल भी कंट्रीज़ के भी ऐसे वीज़ाज निकलने वाले हैं, ठीक है, वीज़ा ऑन अराइवल, तो आपको किसी भी एजेंट के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी एजेंट का बिजनेस बहुत ही फ्लॉप होने वाला है, ठीक है। मैं अपने वीडियोस में सबको यही मेंशन करता रहता हूँ कि आपको किसी भी एजेंट के चक्कर में पड़कर अपना पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अपने वीज़ाज, अपने टिकट्स, अपने होटल रिजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, ठीक है, और कोई भी क्वेरीज है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं dbagyan@gmail.com, या फिर आप डायरेक्टली मेरे ब्लॉग पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए एक वेबसाइट लॉन्च करने का मेरा इरादा है, बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं सारे व्यूअर्स के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, बट जैसे ही मैं अपना ब्लॉग लॉन्च करूँगा तो आप लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँगा, जिसमें मैं सारी जानकारी जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसके बारे में एक फोरम बना के आपको अपडेट करता रहूँगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीज़ा ऑन अराइवल फॉर यूक्रेन समझ में आ गई है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, फ्रेंड्स लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है, फैमिली को शेयर कीजिए, जो भी यूक्रेन घूमना चाहते हैं उन लोगों को इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।